बच्चों आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसका पहला पार्ट है मिरर इमेज और इसके बाद जो अगला आपका होगा वो वाटर इमेज होगा। ठीक है, तो मिरर इमेज और वाटर इमेज में बहुत बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि सर कोई भी फिगर देता है तो हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये आपका मिरर इमेज है या वाटर इमेज है। तो इन टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं और उसको सोचने का क्या तरीका होता है, ये सब आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज आज की क्लास में कर लेंगे और फिर कल की क्लास में हम लोग कर लेंगे डिस्कशन वाटर इमेज का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग। तो देखो, अगर मिरर इमेज की हम लोग बात करें, देखिए कुछ पहले बेसिक जान लेते हैं हल्का सा इमेज के बारे में। जो आपका इमेज होता है, जो आपका इमेज होता है, इमेज जिसको क्या कहते हैं बच्चा, प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब जिसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब। तो जो आपका इमेज होता है ये आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है बच्चा आपका मिरर इमेज, एक होता है मिरर इमेज, मिरर इमेज जिसको कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। और जो दूसरा होता है वाटर इमेज, वाटर इमेज, वाटर इमेज जिसको कहते हैं जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। ठीक है, ये दो टाइप का इमेज से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला मिरर इमेज जिसको आप दर्पण प्रतिबिंब कह सकते हैं, और दूसरा आपका वाटर इमेज जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जल प्रतिबिंब कह सकते हैं। देखिए ये मिरर इमेज और वाटर इमेज बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, होता क्या है कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर आप किसी मिरर को वर्टिकल रख दो, अगर आप किसी मिरर को लंबवत रख दो, ठीक है, ये आपका मिरर है इसको हमने खड़ा रख दिया, लंबवत रख दिया, ठीक है, तो उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा किसी वस्तु का, मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है और आपने मिरर रख दिया खड़ा, लंबवत रख दिया, तो इसमें जो इस मिरर में जो प्रतिबिंब बनेगा इस वस्तु का, ये कहलाएगा मिरर इमेज। इसीलिए दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज को हम वर्टिकल इमेज भी कहते हैं या लंबवत प्रतिबिंब भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? लंबवत प्रतिबिंब भी कहते हैं, वर्टिकल इमेज भी कहते हैं। लंबवत प्रतिबिंब या वर्टिकल इमेज, या वर्टिकल इमेज, या वर्टिकल इमेज, ठीक है। और जो आपका जल प्रतिबिंब होता है, जो आपका जल प्रतिबिंब होता है, अगर इसी मिरर को किसी वस्तु के सामने क्षैतिज रख दें, क्षैतिज रख दें, तो यहां पर दी गई वस्तु का इस दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, अगर किसी मिरर को हम लंबवत रखते हैं तो यहां पर रखी वस्तु का जो इसके अंदर प्रतिबिंब बनता है ये आपका मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब कहलाता है। और अगर यही शीशा अगर आप क्या रख दो, क्षैतिज रख दो, तो इस वस्तु का शीशे के अंदर, इस दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका जल प्रतिबिंब कहलाता है, या हॉरिजॉन्टल प्रतिबिंब भी कहते हैं, या क्षैतिज प्रतिबिंब भी कहते हैं, क्षैतिज प्रतिबिंब। ठीक है, तो मिरर इमेज और वाटर इमेज समझ में आ गया होगा। मिरर इमेज के केस में जो दर्पण रखा होता है वो लंबवत रखा होता है, और जल प्रतिबिंब के केस में जो दर्पण रखा होगा वो क्षैतिज रखा होगा। ऐसा नहीं भाई, देखो जल प्रतिबिंब तो सीधा सा कि अगर हम किसी नदी के सामने जाके खड़े हो जाए तो भाई सब जगह नदी तो लेने नहीं जाओगे ना, एग्जाम में आपको नदी थोड़ी ना देगा। आपके एग्जाम में क्या होगा, आपके एग्जाम में कोई वस्तु होगी, कोई फिगर होगा, कोई आकृति होगी, जैसे ए है। अब अगर ए के सामने मिरर को लंबवत रख दे, ए के सामने मिरर को लंबवत रख दे, तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा ये इस ए का क्या कहलाएगा, दर्पण प्रतिबिंब कहलाएगा। और अगर ए के सामने मिरर को क्षैतिज रख दे और आपसे पूछे कि बताइए यहां पर क्या प्रतिबिंब बनेगा, तो आप इससे समझ जाइएगा कि अगर मिरर क्षैतिज रखा हुआ है तो
तो एग्जामिनर ए के जल प्रतिबिंब की बात कर रहा है, और अगर मिरर लंबवत रखा है तो एग्जामिनर इसके किसकी बात कर रहा है, दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है, ठीक है, चाहे क्वेश्चन में मेंशन करे या ना करे। क्लियर है बाबा? तो देखो अब यहां पर आपका क्या हो गया, यहां पर आपका बनाना है ए का क्या, दर्पण प्रतिबिंब। अब दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ए का क्या बनाना है, अगर दर्पण क्षैतिज रखा हुआ तो यहां पर ए का क्या बनेगा, जल प्रतिबिंब बनेगा, और ए का जल प्रतिबिंब कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। अब दर्पण प्रतिबिंब बनता कैसा है ये आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, और जल प्रतिबिंब कैसा बनता है ये अभी इसके बाद पार्ट टू में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि इमेज से रिलेटेड दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक आपका मिरर इमेज, दूसरा आपका वाटर इमेज। मिरर इमेज को दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं या लंबवत दर्पण भी कह देगा, तो दोनों बात एक ही है, और जल प्रतिबिंब को आपका क्षैतिज इमेज भी कह सकता है या हॉरिजॉन्टल इमेज भी कह सकता है, ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल को लेते हैं पहले, फिर इसके बाद इस पर आधारित ढेर सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये चीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर फटाफट हम लोग आगे चलते हैं और एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, उसके बाद फिर ढेर सारे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चले आगे, अब देखिए देखिए, अगर इसमें आगे डिस्कस किया जाए कि अगर कोई इमेज आपके सामने दे दे, ठीक है, तो उसका जल प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये आपको जानना अति आवश्यक होगा। तो आज की क्लास में हम लोग केवल ये डिस्कस करेंगे कि कोई इमेज दे दे और उसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उसका लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये सारी चीज आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, पहले आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, फिर देखिएगा कि कितने इजी तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, कितने जल्दी आप चीजों को समझ जाते हो, ये देखिएगा, ठीक है। अब देखो एक इमेज दी गई बच्चा, एक इमेज कुछ आपके सामने इस प्रकार से दी गई है, ठीक है, ये आपकी एक रेखा है और ये कुछ इस प्रकार से रेखा दी गई है, ठीक है। ठीक है ना बच्चा, चलो अब देखिएगा, थोड़ा सा करेक्शन, ये आपका कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, ये आपकी रेखा से निकली। अब इसका एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, समझिएगा। अब देखिए ये कुछ स्वास्तिक के आकार की एक आपके सामने चित्र बना हुआ है, ठीक है। अगर हम इस चित्र के सामने खड़े हों, अगर हम इस चित्र के सामने खड़े हो तो ये इस चित्र का क्या हो जाएगा, ये इस चित्र का हो जाएगा राइट हैंड साइड हो जाएगा ना, ये आपका दाहिना हाथ है तो ये चित्र का हो गया राइट हैंड साइड, और अगर इस फिगर के सामने खड़े हो तो ये आपका बायां हाथ हो गया, तो ये हो गया इसका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब देखिए आपको कॉन्सेप्ट समझना है, अब देखिए ये दर्पण है, अब आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, एक सीधा सा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना जा रहा हूं उसको समझिएगा, किताबों में कुछ और दिया होगा, कुछ किताबों में कुछ रटी हुई भाषाएं दी गई होंगी, उस पर आप ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझिएगा। अब अगर यहां पर आपका मिरर रखा हुआ है और मिरर आपका लंबवत है तो ये सीधी सी बात है कि इसके दर्पण प्रतिबिंब की बात करेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जो चीज दर्पण के पास होगी, जो चीज दर्पण के पास होगी, दर्पण में उसका प्रतिबिंब पास बनेगा, और जो चीज दर्पण के दूर होगी उसका दर्पण में प्रतिबिंब दूर बनेगा, क्लियर है ना। अब देखो सबसे पहले ये दर्पण है, दर्पण के सबसे पास आप देखोगे तो सबसे पास क्या दिख रहा है, ये त्रिभुज दिख रहा है,
तो प्रतिबिंब में भी सबसे पहले क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। ठीक है, त्रिभुज का ये नोक ऊपर की ओर निकला है तो इसमें भी ऊपर की ओर निकला रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ रही है रेखा, तो यहां पे भी रेखा क्या होगी, इधर भी रेखा क्या होगी, दूर जाएगी, क्योंकि देखो ये रेखा दर्पण से दूर जा रही है तो इस प्रतिबिंब में भी ये रेखा दर्पण से क्या जाएगी, दूर जाएगी। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या मिलेगा, ये लाइन मिलेगा, तो यहां भी इसके बाद क्या बनेगा, ये लाइन बनेगा। ठीक है, चलो अब देखो, अब अगर ऊपर की बात करें तो सबसे पहले ऊपर क्या है, ये रेखा है, तो यहां भी सबसे पहले क्या मिलेगी, ये रेखा मिलेगी। ठीक है, अब ये रेखा दर्पण से क्या जा रही है, दूर जा रही है, तो यहां भी ये रेखा दर्पण के क्या जाएगी, दूर जाएगी। इतना क्लियर है। अब देखो, अब ये रेखा आपके आगे गई और दर्पण से दूर की तरफ गई, तो ये रेखा भी आगे जाएगी और दर्पण से क्या जाएगी, दूर की तरफ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये जो त्रिभुज है ये आपका नीचे की तरफ है, तो यहां भी ये जो त्रिभुज होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, और यहां पर एक लाइन है तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक लाइन। ठीक है, अब जाते हैं, आते हैं नीचे की तरफ। यहां पर क्या है, यहां पर एक लाइन है और ये लाइन दर्पण से किधर जा रही है, दर्पण से किधर जा रही है, दूर की तरफ जा रही है, तो यहां भी ये लाइन दर्पण से किधर जाएगी, दूर की तरफ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये रेखा ऊपर की तरफ उठी हुई है, तो यहां भी ये रेखा क्या होगी, ऊपर की तरफ उठी हुई। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आप इस प्रतिबिंब के सामने खड़े होंगे तो ये आपका राइट हैंड साइड है, ये आपका दाहिना हाथ है, तो ये इसका हो जाएगा राइट हैंड साइड, और ये आपका बायां हाथ है तो ये इसका हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब बच्चा मैं कंपेयर करने को कहूं, अगर मैं अब कंपेयर करने को कहूं तो ये बताना बच्चा कि जो नीचे वाला त्रिभुज था, जिस त्रिभुज का नोक, जिस त्रिभुज का कॉर्नर नीचे की तरफ था वो लेफ्ट हैंड साइड था इस आपके वास्तविक चित्र में, और जब आपके प्रतिबिंब की तरफ देखोगे तो ये जो नीचे वाला था ये किधर पहुंच गया, ये किधर पहुंच गया, राइट हैंड साइड पे, और यहां पे कहां था, लेफ्ट हैंड साइड पे। देखिएगा ध्यान से, ये जो नीचे, जिस त्रिभुज का नोक नीचे था वो आपके वास्तविक प्रतिबिंब में किधर था, लेफ्ट हैंड साइड पे, और जब इसका प्रतिबिंब बना, वास्तविक चित्र में आपका किधर था, नीचे की तरफ था, और जब इसका प्रतिबिंब बना तब भी ये नीचे की तरफ है, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड में था, और ये कहां पहुंच गया, राइट हैंड साइड पे। मतलब प्रतिबिंब में चेंज हुआ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे पहुंच गया, और ये जो ऊपर वाला नोक वाला था वो वास्तविक चित्र में किधर था, राइट हैंड साइड पे था, और वो प्रतिबिंब में कहां पहुंच गया, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो क्लियर, एकदम फैक्ट सी बात यह है बच्चा, कि जब हम लोग दर्पण प्रतिबिंब की बात करते हैं, जब हम लोग दर्पण प्रतिबिंब की बात करते हैं, जब हम लोग मिरर इमेज की बात करते हैं, जब हम लोग दर्पण प्रतिबिंब की बात करेंगे, जब हम लोग दर्पण प्रतिबिंब की बात करेंगे, या इसको क्या कहते हैं, अभी बताया मैंने, लंबवत प्रतिबिंब, लंबवत प्रतिबिंब, तो जब हम लोग लंबवत प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब की बात करेंगे तो इस केस में क्या होता है कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो परिवर्तित हो जाएगा राइट हैंड साइड में, और जो आपका राइट हैंड साइड है वो आपका परिवर्तित हो जाएगा किस में, लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज देखिए, लेफ्ट हैंड साइड परिवर्तित हो गया राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड परिवर्तित हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन जो चीज अप है वो अप ही रहेगी, जो चीज डाउन है वो डाउन ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें होता है नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो चीज अप होती है वो अप होगा, जो चीज डाउन होगा वो डाउन ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन किस में होता है, बस लेफ्ट हैंड साइड परिवर्तित हो जाता है राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड परिवर्तित हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, जो चीज ऊपर की ओर होती है वो ऊपर ही रहेगी, जो चीज नीचे की ओर होती है वो नीचे ही रहेगी। देखिए यहां पर ये क्या है, ऊपर की ओर है, तो प्रतिबिंब में भी ये ऊपर ही है, यहां पर ये किधर है, नीचे की ओर है, में भी ये नीचे की ओर ही है, बस जो चीज राइट था वो लेफ्ट में हो गया, जो चीज लेफ्ट था वो राइट में हो गया। तो सीधी सी बात है कि जब भी वर्टिकल इमेज की बात करेगा,
तो वास्तविक चित्र का जो दाहिना सिरा है वो बाईं तरफ पहुंच जाता है और जो बायां सिरा है वो दाहिने तरफ पहुंच जाता है, लेकिन जो ऊपर की ओर होता है वो ऊपर की ओर ही रहेगा, जो नीचे की ओर होता है वो नीचे की ओर रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है? अप एंड डाउन नो चेंज, लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ट राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कन्वर्ट इनटू लेफ्ट सेंटर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए, चीजें कॉपी और पेन लेके साथ में नोट करते हुए चलिए, तभी कुछ होगा। चलिए अब देखिए जो अगला कॉन्सेप्ट है, अब जो अगला कॉन्सेप्ट है बच्चा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि दर्पण प्रतिबिंब के केस में जो आपके अंग्रेजी के अल्फाबेट हैं उनका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, आपके जो लेटर्स हैं उनका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो फटाफट एक बार आप इसको नोट करिए और हम अब लेते हैं अगला हेडिंग डालिए। अगला हेडिंग डालिए बच्चा कि अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब, कैपिटल अक्षर का, बड़े अक्षरों का, अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े बड़े अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, फटाफट हेडिंग डालिए, फिर हम आपको बताते हैं कि अंग्रेजी के वर्णमाला में किस लेटर का क्या प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपके अल्फाबेट से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये चीजें अगर समझ में आ गई होंगी तो आपका क्वेश्चन बनाने में भी आसानी होगा। और सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप कुछ मत करिएगा, लेफ्ट राइट बिल्कुल मत कंफ्यूज हो जाएगा, सीधा सा है कि जो चीज दर्पण के पास होगी उसका प्रतिबिंब पास बनता है और जो चीज दर्पण के दूर होगी उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, दूर बनता है। सीधा सा कॉन्सेप्ट आप ये रखिएगा, कभी भी आप मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। ठीक है, बस मिरर इमेज और वाटर इमेज अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज है। बस एक केस में दर्पण क्या होता है, खड़ा होता है, और एक केस में दर्पण क्या होता है, क्षैतिज होता है। ठीक है, बस अंतर केवल इतना ही है। चलिए अब अगला हेडिंग डालिए कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब। के बड़े अक्षरों का दर्पण। ठीक है, अब देखिए कैपिटल लेटर्स का दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। सबसे पहला ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, अब ये आपका दर्पण है जो क्या रखा गया, लंबवत रखा गया। तो आप इससे धीरे सीधे से समझ लीजिएगा कि यहां पर इसके किसकी बात कर रहा है, दर्पण प्रतिबिंब की। अब देखिए सबसे पहले ए है, ठीक है, तो सबसे पहले ए की ये लाइन है, ठीक है, दर्पण के पास तो ये लाइन है। अब ये लाइन क्या हो रही है, दूर जा रही है और सीधे तिरछे में जुड़ जा रही है, तो ये भी लाइन दूर जाएगी। ठीक है, फिर ये लाइन है और फिर ये बराबर हो। ठीक है, अब देखो बी बनाना है तो बी की सबसे पहले ये क्या है, दर्पण के पास क्या है, ये दोनों गोले हैं। ठीक है, और ये दोनों गोले दर्पण से क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो यहां भी ये आपका दोनों सर्किल होंगे और ये दर्पण से क्या जाएंगे, दूर जाएंगे, और फिर आपको ये लाइन मिलेगी और फिर हो जाएगी ये लाइन। ठीक है, अब देखिए यहां दर्पण है, सबसे पहले सी का क्या है, ये वाला पार्ट है, तो यहां भी सबसे पहले सी का ये वाला पार्ट होगा और फिर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दर्पण से सबसे पास क्या है, डी का ये उभरा वाला भाग है, तो यहां भी डी का ये उभरा वाला भाग होगा, फिर दर्पण से दूर ये लाइन है, दर्पण से दूर ये लाइन होगी। ठीक है, फिर देखिए ई, तो सबसे पहले ये जो तीन रेखाएं हैं ये दर्पण से पास हैं, तो यहां भी तीन रेखाएं होंगी जो दर्पण के पास होंगी, फिर ये लाइन होगा और यहां भी क्या होगा, ये लाइन होगा। फिर एफ, एफ में सबसे पहले ये दो लाइनें हैं, फिर ये रेखा है, यहां भी ये दो लाइनें हो जाएंगी और ये रेखा हो जाएगी। ठीक है, फिर ये जी, तो जी में सबसे पहले क्या, ये लाइन है, तो ये लाइन होगा, फिर ये लाइन दूर जा रहा है तो ये भी लाइन दूर जाएगा, फिर यहां से क्या होगा, ऐसे आपका रोटेशन है तो यहां भी ऐसे क्या होगा, रोटेशन हो जाएगा और ये हो जाएगा जी। एच, तो एच एज इट इज हो जाएगा क्योंकि ये लाइन हो जाएगी, फिर ये लाइन दूर जा रही है, फिर ये लाइन ऐसे हो जाएगी। तो क्लियर है ना, बिल्कुल कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखो आई
जे के एल एम एन ओ पी, सारी चीजें क्लियर होगी, साथ 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 बनाते चलिएगा। मेरा आर्ट इतना अच्छा नहीं है लेकिन आप लोग का तो अच्छा होगा ही, ठीक है। तो साथ में साथ आप लोग भी ड्रॉ करते रहिएगा, ठीक है। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी W X Y Z, हम लेटर्स जो बना रहे हैं लगभग लगभग जैसे कंप्यूटराइज होता है उस प्रकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले I, I का तो एज इट इज बन जाएगा, उसके बाद जे, तो देखो सबसे पहले दर्पण के क्या है, ये रेखा जा रही है, दूर जा रही है, उसके बाद ये रेखा है, ये रेखा है। अब देखो ये जो है, ये जो कर्व है, ये दर्पण से पास है या दर्पण से दूर है? तो आप कहोगे सर दर्पण से क्या है, दूर है, तो इसमें भी दर्पण से क्या बनेगा, दूर बनेगा, ठीक है। के, तो के की सबसे पहले ये जो दोनों लाइनें हैं, अब ये दोनों लाइनें क्या हो रही हैं, टच कर रही हैं एक दूसरे को और दर्पण से दूर जा रही है, तो इसी तरह ये दोनों लाइनें भी दर्पण से दूर जाएंगी और क्या करेंगी, टच करेंगी। फिर यहां पर एक रेखा है, यहां भी क्या हो जाएगा, एक रेखा हो जाएगा। फिर एल, एल की सबसे पहले क्या है, ये लाइन है, तो यहां भी एल की सबसे पहले ये लाइन होगी और ये हो जाएगा, ठीक है। एम, एम तो एज इट इज बन जाएगा, M तो एज इट इज बन जाएगा। N, तो देखो N की सबसे पहले क्या है, ये लाइन। अब देखो ये लाइन इस बिंदु पर है और ये दूर जा रहा है, तो यहां भी ये लाइन इस बिंदु पर होगा और दूर जाएगा। फिर आपकी ये रेखा है और आपकी ये रेखा है, ठीक है। फिर आपका O, O तो एज इट इज बनेगा। अब देखिए P, तो P का सबसे पहले ये क्या है, कर्व है, तो इस मिरर में भी सबसे पहले कर्व बनेगा, उसके बाद ये लाइन है, तो उसके बाद ये लाइन बनेगी, ठीक है। चलिए उसके बाद Q, अब देखो सबसे पहले दर्पण के पास क्या है, ये आपकी ये लाइन है और ये लाइन दर्पण से क्या जा रही है, दूर जा रही है, तो यहां भी ये लाइन दर्पण से क्या जाएगी, दूर जाएगी। उसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा। R, तो R का सबसे पहले ये कर्व है, तो यहां भी R का सबसे पहले ये कर्व होगा। फिर देखिए यहां पर अगर बात करें तो यहां पर ये क्या है, रेखा है और ये रेखा दर्पण से दूर जा रही है और इस कर्व में टच कर रही है, तो यहां भी ये रेखा स्टार्ट होगी और इसमें टच करेगी। उसके बाद आपकी ये सीधी रेखा है, तो ये आपकी सीधी रेखा हो जाएगी, ठीक है। एस, अब देखो सबसे पहले ये है, तो यहां से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ये आपका ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर आपका ऐसे आएगा और ये फिर आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। टी की बात करेंगे तो टी आपका एज इट इज होगा। यू की बात करेंगे तो यू आपका एज इट इज होगा। वी की बात करेंगे तो वी एज इट इज होगा। W की बात करेंगे तो W जैसे का तैसा होगा। X की बात करेंगे तो X भी एज इट इज होगा। Y की बात करेंगे तो Y भी एज इट इज होगा। और Z की बात करेंगे तो देखो सबसे पहले ये है, ये है, ठीक है। अब ये रेखा दर्पण से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, तो यहाँ भी ये रेखा दर्पण से क्या जाएगा, दूर जाएगा। अब इस बिंदु से ये रेखा दर्पण से दूर जा रही है, तो ये रेखा भी दर्पण से दूर जाएगी और यहाँ पर ये है और ये जाके इसमें क्या कर जाएगा, टच कर जाएगा, ठीक है। तो देखिए अंग्रेजी के जितने भी लेटर्स थे, अंग्रेजी के जितने भी लेटर्स थे उसका हम लोगों ने क्या बना लिया, उसका हम लोगों ने बना लिया दर्पण प्रतिबिंब। अब देखिए आपको उन उन लेटर्स को चूज कर लेना है जिनका वास्तविक इमेज और मिरर इमेज दोनों समान है। तो देखो चेक करो कौन कौन सा है जिनका वास्तविक इमेज और मिरर इमेज, तो ये आपका पहला ए जो है, इसका वास्तविक और मिरर दोनों समान है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ोगे, आपका दूसरा क्या है, एच आपका ऐसा है जिसका वास्तविक और मिरर इमेज समान है। तीसरा कौन हो गया, आई हो गया, इसका वास्तविक और मिरर इमेज समान हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका एम हो गया, ये आपका हो गया चौथा, जिसका वास्तविक और मिरर इमेज क्या है, समान है, ठीक है। और तो कोई नहीं है, देखते रहिएगा ध्यान से। फिर आपका ओ, यह हो गया आपका पांचवा, जिसका वास्तविक और मिरर इमेज दोनों समान है। उसके बाद आप अगर आप चेक करोगे तो उसके बाद आपका आएगा ये छठवां टी, उसके बाद ये सातवां, उसके बाद ये आठवां, उसके बाद ये नौवां, उसके बाद ये दसवां, उसके बाद ये ग्यारहवां।
वाई देख लीजिए मैंने किस प्रकार से बनाया, कंप्यूटर वाला वाई है। अगर वाई ऐसा बनेगा तो फिर इसका वास्तविक और मिरर इमेज समान नहीं होगा, फिर ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके अंग्रेजी के 11 लेटर्स हैं जिनका वास्तविक और मिरर इमेज क्या होता है, समान होता है। और आप इन्हीं लेटर्स की मदद से, कौन कौन से हो गया, पहला ए हो गया, उसके बाद एच हो गया, उसके बाद आई हो गया, उसके बाद एम हो गया, उसके बाद ओ हो गया, उसके बाद आपका टी हो गया, उसके बाद यू हो गया, उसके बाद भी हो गया, उसके बाद डब्ल्यू हो गया, उसके बाद एक्स हो गया, और कंप्यूटर की तरह वाई लिखा रहेगा, तो ये वाई। ये आपके 8 लेटर्स हैं अंग्रेजी कैपिटल लेटर्स जिनका वास्तविक और मिरर इमेज दोनों क्या होता है, समान होता है। और ये मैंने आपको इसलिए करवाया है कि एग्जाम में जब भी आपका ऑप्शन देगा तो आप सबसे पहले अगर ये लेटर उसमें आ रहे होंगे तो आप अपने ऑप्शन में भी चेक कर लीजिएगा कि ये लेटर एज इट इज बने हैं कि नहीं बने हैं। ठीक है, ये लेटर एज इट इज बने हैं कि नहीं बने हैं। अगर एज इट इज ये लेटर ना बने हो, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी शब्द में मान लीजिए एप्पल है, अब एप्पल में ए आया है, ठीक है, तो आपके विकल्प में भी ए एज इट इज होना चाहिए। अगर हल्का सा भी ए जिस विकल्प में चेंज दिखेगा उसको तुरंत आप इलिमिनेट कर दीजिएगा, वो कभी भी उसका मिरर इमेज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको उसको करवा दिया। और क्यों होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, इस वजह से इसलिए मैंने इसको डिटेल में बना दिया है। ठीक है, क्लियर है, फटाफट इसको आप लोग बना लीजिए, फिर हम लोग अंकों का भी देख लेते हैं और फिर चलेंगे आज क्वेश्चंस के सेट पर। क्लियर है ना, चलिए चला जाए, बताइए फटाफट देखें। चलिए हम लोग कैपिटल लेटर की बात तो कर ली है, अब थोड़ा सा हम अंग्रेज डिजिट्स की बात भी कर लेते हैं कि डिजिट में किस अंक का क्या मिरर इमेज होता है। ठीक है, तो एक बार अक्षर और डिजिट ये दो कवर कर लेंगे ना, तो उसके बाद फटाफट क्वेश्चंस को लगाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। बस एक कॉन्सेप्ट आप बस इतना याद रखिएगा कि जो चीज पास होती है उसका मिरर इमेज पास बनता है, और जो चीज दूर होती है उसका मिरर इमेज क्या बनता है, दूर होता है। बस इतना कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखेंगे तो बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। और ये जो 11 लेटर मैंने अभी नोट डाउन करवाया, इस 11 लेटर के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके ये 11 लेटर ऐसे हैं कि जिनका मिरर इमेज और वास्तविक चित्र दोनों क्या होता है, दोनों समान होता है। ठीक है, बताओ सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया ना। अब एक बार हम लोग अंकों का भी जान लें, 0 से लेकर 9 तक का यही डिजिट है जिनसे सारे अंक बने हैं, तो इनका अगर क्लियर होगा तो आप सारे अंकों का भी आराम से निकाल लोगे। अब तरीका तो मैंने बता ही दिया, तो आप लोग खुद से भी निकाल सकते हो, लेकिन फटाफट मैं एक बार निकाल के दिखा दे रहा हूं, फिर उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो ये टॉपिक आपका हो जाएगा फिनिश। ठीक है, फटाफट एक बार थोड़ा सा इस व्हाइट बोर्ड में थोड़ा सा मिटाने वाला प्रोसेस खतरनाक है। चलिए चलिए चला जाए, चलिए अब लिखते हैं। अंकों का दर्पण प्रतिबिंब, अंकों का दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखिए पहला अंक क्या है आपका, 0। तो दर्पण बना लेते हैं, अंक है 0, फिर है 1, फिर है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, यही है ना। चलिए अब देखिए 0, तो 0 का तो एज इट इज 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1,
तो वन की ये लाइन है दूर जा रही है और फिर पास, ठीक है। उसके बाद टू, तो आपका टू, अब देखिए टू का कैसे बनेगा, टू का कैसे बनेगा, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। चलिए अब देखिए जीरो, तो जीरो का एज इट इज हो गया। अब देखो वन की बात करेंगे तो सबसे पहले ये लाइन है, तो सबसे पहले मिरर में ये लाइन दिखेगी, फिर ये इस बिंदु से, इस कोने से ये लाइन दूर जा रही है, तो इस कोने से ये लाइन भी क्या जाएगी, दूर जाएगी, और फिर ये लाइन है तो ये लाइन तो एज इट इज हो जाएगी, ये वन हो जाएगा। अब देखो टू, तो सबसे पहले टू का ये कर्व है, तो यहां भी सबसे पहले टू का क्या होगा, कर्व होगा, ठीक है। अब देखो ये जो कर्व है ये दर्पण से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, तो यहां भी ये जो कर्व दर्पण से क्या होगा, दूर जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो है ये भी दर्पण से दूर जा रहा है, तो यहां भी ये दर्पण से क्या जाएगा, दूर जाएगा। फिर ये जो लाइन है दर्पण की तरफ जा रही है, तो यहां भी ये लाइन दर्पण की तरफ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीन, तो तीन का सबसे पहले ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन दर्पण से दूर जा रहा है, तो ये भी लाइन दर्पण से दूर जाएगा। फिर देखिए ये लाइन इस डॉट से, ये लाइन दर्पण से दूर, तो ये भी दर्पण से दूर जाएगा, ठीक है। फिर ये कर्व, ये कर्व क्या है, दर्पण से पास है, तो ये कर्व दर्पण से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फोर, फोर की सबसे पहले क्या है, ये लाइन है, ठीक है। फिर ये लाइन क्या है, दर्पण से दूर जाएगा, ये लाइन दर्पण से दूर जाएगा। फिर ये लाइन दर्पण की तरफ जा रहा है, तो ये लाइन दर्पण की तरफ जाएगा। फाइव, सबसे पहले क्या है, ये लाइन है, तो ये लाइन है, फिर ये लाइन सीधी है, ये लाइन सीधी है, फिर आपका ये कर्व दर्पण के पास जा रहा है, तो ये भी कर्व दर्पण से क्या जाएगा, पास जाएगा, ठीक है। चलिए सिक्स की बात करें, तो देखो सबसे पहले ये लाइन दर्पण से पास है, ये लाइन दर्पण से पास है। अब ये जो कर्व है दर्पण की तरफ जा रहा है, तो ये भी कर्व दर्पण की तरफ जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, ये गोला हो जाएगा, ठीक है। सेवन, तो सेवन का ही पहले ये डॉट है, ये डॉट है, अब ये लाइन किधर, ये लाइन जनरली क्या है, दर्पण से दूर जा रही है, तो ये भी लाइन दर्पण से दूर जाएगी। फिर ये रेखा दर्पण से दूर है, ये भी रेखा दर्पण से दूर जाएगा, बीच में सेंटर में ये लाइन है, तो ये लाइन दर्पण पर। फिर आठ, तो आठ आपका एज इट इज बनेगा। नौ, तो देखो ये जो गोला है ये दर्पण से क्या है, दूर है, तो ये भी जो गोला होगा दर्पण से दूर होगा, ये भी जो है दर्पण से दूर जा रहा है, तो ये भी दर्पण से दूर जाएगा, ठीक है। तो देखो अब कौन कौन से लेटर आपको मिले, कौन कौन से लेटर आपको मिल गए, कौन कौन से लेटर आपको मिल गए, ठीक है, जिनका आपको वास्तविक चित्र और मिरर इमेज समान मिला है, कौन कौन से ऐसे अंक मिल गए। तो देखो कौन कौन से ऐसे अंक है बच्चा, तो ये आपका पहला है, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं हल्का सा, ये आपका क्या है, ये आपका पहला है, ठीक है, जीरो। और देखो और कोई समान है, ये आपका दूसरा है, जीरो और एट। इसके अलावा तो हमको नहीं लगता कि कोई ऐसा अंक होगा जिसका वास्तविक इमेज और मिरर इमेज दोनों समान हो, ठीक है, तो एक जीरो और एट, ठीक है। तो देखो अगर अंकों की बात करेगा तो जीरो और एट, और अगर लेटर्स की बात करेगा तो वो 11 लेटर्स ऐसे होते हैं जिनका मिरर इमेज और वाटर इमेज क्या होता है, सॉरी मिरर इमेज और वास्तविक इमेज क्या होता है, समान होता है। अभी आज की क्लास में केवल हम मिरर इमेज की बात कर रहे, ठीक है। चले आप प्रश्नों की श्रृंखला पे चलें, फटाफट इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आज के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और उससे आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला के ऊपर, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए पहला प्रश्न आपके आ गया है, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, फटाफट सभी लोग कमेंट करें कि इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। देखिए व्हाइट का निकालना है, अच्छा देखिए एक चीज आप ये भी ध्यान दीजिएगा, व्हाइट का क्या निकालना है, व्हाइट का दिया गया है उस विकल्प को चुनिए जो दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। अब दर्पण प्रतिबिंब होगा तो मिरर क्या होगा, लंबवत रखेगा, यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब भी लिख सकता है या लंबवत दर्पण या लंबवत प्रतिबिंब भी लिखता है, तो बात सेम होगा। अब देखो सबसे पहली चीज ये चेक करना कि जब भी किसी वर्ड का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो जो इस वर्ड का लास्ट लेटर होगा प्रतिबिंब में वो सबसे पहले आ जाएगा। एक चीज सबसे पहले क्लियर कर लेना कि व्हाइट का अगर आप दर्पण प्रतिबिंब चेक करोगे तो दर्पण प्रतिबिंब के केस में जो उस शब्द का, जो उस वर्ड का लास्ट लेटर होगा वो प्रतिबिंब में पहले आ जाता है, ठीक है, पहली चीज। अब पहले अगर ऑप्शन को आप चेंज, आपको
चेक करना शुरू करने हैं, तो अगर लास्ट वाला लेटर जिस ऑप्शन में पहले नहीं दिखा रहा होगा आप उसको पहले ही खत्म कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं कि दर्पण प्रतिबिंब के केस में किसी शब्द का जो लास्ट लेटर होता है वो क्या हो जाता है, पहले आ जाता है, जबकि वाटर इमेज के केस में, जल प्रतिबिंब के केस में ऐसा नहीं होता, जो चीज पहले है वही पहले होगी, जिस शब्द का जो लेटर पहले है वही पहले होगा, जो लास्ट है वही लास्ट होगा। लेकिन मिरर इमेज के केस में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जो चीज पहले है वो बाद में हो जाएगी, जो चीज बाद में है वो पहले हो जाएगी, क्योंकि बताया था कि जो चीज दाहिने है वो इमेज में बाएं हो जाती है और जो चीज बाएं है वो दाहिने हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं क्योंकि सब में ई ई ई बना हुआ है। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था कि एच और आई, एच और आई ये आपके एडजेक्टिव बनने चाहिए, तो एच और आई सब में एडजेक्टिव है। आप देखो चेक करो फटाफट बना लो ना, मैंने तो तरीका बताया, सबसे पहले ई है, ई की है लाइन होगी, उसके बाद टी है, टी एडजेक्टिव होगा, उसके बाद आई है, आई भी एडजेक्टिव होगा, उसके बाद एच एडजेक्टिव, डब्ल्यू, अब केवल ई चेंज होगा बाकी सब एडजेक्टिव होगा। तो देखो ई टी, अब देखो इसमें डब्ल्यू कहां से चेंज कर दिया, डब्ल्यू एडजेक्टिव रहता है, मैंने बताया था ना कि आप जो जो एडजेक्टिव होता है उसके हिसाब से डब्ल्यू एडजेक्टिव होना चाहिए। देखो अब इसमें भी टी उल्टा कर दिया, टी उल्टा होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका यही सही होगा, इसमें भी क्या कर दिया, ई को एडजेक्टिव बनाया है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी। ठीक है, डब्ल्यू भी एडजेक्टिव होगा क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब और वास्तविक दर्पण में डब्ल्यू एच आई और टी ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल आपका ई बदल जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए मैं वहां पर आपको इस चीज को ज्यादा प्रेशर करके बता रहा था, क्लियर ना, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ई टी आई एच और डब्ल्यू। चलिए चलिए अगले प्रश्न पे चलिए, अब आपका कह रहा है ब्रिस्क का बताना है, अब देखो ब्रिस्क का क्या होगा, सबसे पहले के, उसके बाद एस, अब एस क्या हो जाएगा आपका, एस क्या हो जाएगा, एस आपका उल्टा हो जाएगा, आई एडजेक्टिव होगा, आर आपका क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, और बी भी आपका क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ऑप्शन में देख लो। ठीक है, अब देखो के के ये तो होगा नहीं क्योंकि के चेंज होगा, अब देखो तीन में के है। ठीक है, अब एस एस एजिटिज ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब देखो इन दोनों में है आई एजिटिज आर आवार एजिटिज है, यही आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक बार आपको लेटर्स का, इसीलिए मैंने आपको क्लास में अंग्रेजी वर्णमाला के किस लेटर का क्या जल प्रतिबिंब होता है ये मैंने क्लियरली आपको लिख के समझा दिया है, इसमें कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चले चलिए, अब देखिए क्या है, पेंटेड है, तो सबसे पहले डी, ठीक है, उसके बाद ई उल्टा हो जाएगा, टी एज इट इज होता है, एन क्या होगा, उल्टा हो जाता है, आई एजिटिज होता है, ए भी एजिटिज होता है, और पी भी पी क्या हो जाएगा, पी आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ऑप्शन में, अब देखो आपका डी ई टी, अब देखो एन एजिटिज रखा है जबकि एन क्या होगा, उल्टा, अब देखो यहां पर डी ई टी एन आई ए, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना बच्चा, देखो ठीक है डी ई टी, अब देखो यहां पे टी कर दे उल्टा, ये तो होगा नहीं, और इसमें भी देखो डी ई को एडजेक्टिव किया, ये भी होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग भी आंसर दीजिए, सबसे पहले आप लिख जाइए और मिला लीजिएगा। ठीक है, जो तरीका मैंने बताया उससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बस तरीका आपको फॉलो करना कि जो चीज पास होती है उसका इमेज पास बनता है, जो चीज दूर होती है उसका इमेज दूर बनता है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेशनल, नेशनल का बनाना है, सबसे पहले एल, ये देखिए ये है रेखा, ये रेखा दूर जा रही है, दूर जाएगा, ए ए एडजेक्टिव होता है, एन एन उल्टा बनता है, एन का ये देखो सबसे पहले ये रेखा दूर जा रही है, ये भी दूर जाएगा, ये फिर ओ ओ एडजेक्टिव होगा, आई आई एडजेक्टिव होगा, टी टी एडजेक्टिव होगा, फिर ए ए एडजेक्टिव होगा, फिर एन का क्या है, एन भी उल्टा जाएगा, सबसे पहले ये रेखा, ये अब देख लो टी उल्टा कर दिया है, होगा नहीं, टी
एज इट इज, टी एज इट इज, ठीक है। अब देखो क्या क्या एज इट इज बनता है, ए ए ए, ठीक है। अब चलो मिलाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एल, ठीक है, ए सही है, एन सही है, ओ सही है, आई सही है, टी सही है, ए सही है, एन, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो इसमें एल को एज इट इज बनाना ये पॉसिबल ही नहीं है, अब इसमें देखो एल को एज इट इज बनाना ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ठीक है। तो जो भी मैंने लेटर्स का बताया है, एक बार आप भी जब भी क्लास फिनिश करिएगा, आप फिर से सारे लेटर्स को लिखिएगा, और जिस तरीका से मैंने बताया है कि कैसे मिरर इमेज बनता है, जो चीज पास में होगी वो चीज पास में होती है, जो चीज दूर होती है वो चीज दूर होती है, तो कैसे बनती है उस तरीके को फॉलो करके आप बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। अब देखिए सुपरवाइजर, अब इसका बनाना है आपको सुपरवाइजर का। तो सबसे पहले आर, आर क्या होता है, उल्टा बन जाता है। ओ एज इट इज होता है। एस भी क्या बनता है, एस भी क्या होता है, उल्टा बनता है, ठीक है। अब एस आपका उल्टा बन गया, ओहो बताया था ना कि मेरे मेरी जो आर्ट है। अब देखो आपको एस को बनाना है, कंफ्यूजन है, तो सबसे पहले ये जो है ये क्या है, दूर जा रहा है, तो आप भी इसको क्या ले जाइए, दूर जाइए। फिर ये क्या हो जाएगा, ये जो कर्व है ये पास है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। फिर आपका आई हो जाएगा, उसके बाद वी एज इट इज होगा, आर का ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ई आपका एज इट इज हो जाएगा, उसके बाद पी आपका क्या हो जाएगा, उल्टा बनेगा, उसके बाद यू एज इट इज होगा, फिर उसके बाद एस क्या हो जाएगा, अब एस आपका क्या बनेगा, एस आपका उल्टा बनेगा। अब देखो, अब देखो चेक करते हैं फटाफट, और ऑप्शन नंबर ए ही सही है। देखो आर ठीक है, ओ सही है, एस सही है, आई सही है, वी सही है, आर सही है, ई सही है, पी यू और एस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, विकल्प ए। आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप आगे भी चेक कर लीजिएगा, आपको सही मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ इमेज पर आधारित कर लेते हैं, कुछ इमेज पर आधारित बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो इमेज पर आधारित, तो यहां पर आपका मिरर रखा हुआ है, यहां पर आपका मिरर है। अब अगर देखो इस पे बनाओगे तो सबसे पहले ये आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पर ब्लैंक है, सबसे पहले दर्पण में ये ब्लैंक है तो ये ब्लैंक होगा, फिर यहाँ पर ये वाला ब्लैंक दूर है तो ये दूर। अब देख लो किस विकल्प में है, देख लो ये इमेज किस विकल्प में मिल रही है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर किसमें मिल रहा है, डी में, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है ना, सीधा सीधा दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। जो चीज मिरर के पास है उसका प्रतिबिंब मिरर के पास बनेगा, और जो चीज मिरर के दूर है उसका प्रतिबिंब मिरर के दूर बनेगा, ठीक है। आ रही बात ना, ये आपका डॉट नहीं दिया था, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। चलिए चलिए अगले प्रश्न पर, बताइए क्लियर है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। देखिए आपका यहां पर मिरर रखा हुआ है, ठीक है, यहां पर मिरर है, ठीक है। अब देखो ये सबसे पहले बॉक्स हो गया, अब देखो ये एरो क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, तो ये एरो दूर जाएगा, यहाँ पर एरो होगा। अब देखो ये एरो क्या जा रहा है, ये भी दूर जा रहा है, तो ये भी क्या जाएगा, दूर जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, एरो होगा। देख लो, देख लो ये विकल्प कहाँ पे मौजूद है, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यही तो है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो मेथड मैंने बताया है उससे आप कोई क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते हो, जो चीज पास वो चीज पास, जो चीज दूर वो चीज दूर, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट आपका उसमें भी लगाऊंगा मैं, जल प्रतिबिंब में भी। अब देखो सबसे पहले ये, ठीक है, ये हो गया, फिर उसके बाद ये लाइन हो गई। अब देखो ये लाइन क्या जा रही है, दूर जा रही है, तो ये लाइन दूर जाएगी, ठीक है। फिर ये लाइन क्या जा रही है, टच कर रही है, ये लाइन इसमें टच करा दो, फिर आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे। देख लो कौन सा विकल्प है, देख लो कौन सा विकल्प है, कुछ भी गलत नहीं करोगे, बिल्कुल सही करोगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी के अलावा और कोई भी ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा होगा। चलो क्लियर है ना बच्चा, क्लियर है ना, चला जाए, देख लो एक बार, क्लियर है। जो चीज मिरर के पास, जो चीज मिरर के पास, देखो अब ये नोक सबसे मिरर के पास है, ये दो दूर जा रहा है, ये दूर जाएगा, फिर उसके बाद ये लाइन है, ये लाइन है। अब देखो ये क्या है, मिरर, ये मिरर से क्या जा रहा, दूर जा रहा है, तो ये भी मिरर से क्या जाएगा, दूर जाएगा। फिर यहां से ये मिरर के क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, तो ये भी क्या जाएगा, दूर। अब देखो ये क्या है, ये मिरर से दूर बन रहा है, तो ये भी मिरर से क्या बनेगा, दूर बनेगा, ठीक है। जो चीज पास वो चीज पास, जो चीज दूर वो चीज दूर, ठीक है। अब देखो
यहां पर आपका मिरर है, ये रेखा हो गई, ठीक है, ये मिरर के दूर, ये मिरर के दूर, ये भी मिरर के दूर, ये भी मिरर के दूर, ठीक है। अब ऐसे हो जाएगा, अब देखो ये चीज मिरर के दूर, ये भी मिरर के दूर, फिर ये लाइन, फिर ये, अब देख लो ये ऑप्शन कहाँ पे मौजूद है, देख लीजिए ये ऑप्शन कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो अब अगर आप चेक करोगे तो देख लो सीधा सीधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है ना। देखो ये नहीं होगा क्योंकि ये तो है ही नहीं, और इसमें देखो इसमें भी आप चेक करोगे इन दोनों में क्या अंतर है, सॉरी सॉरी ये नहीं होगा, देखो ये है ना, और यहां पर ये मिल रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है, यहां पर ये नहीं होगा, देखो थोड़ी सी गलती क्या हुई है, यहां पर देखो यहां पर ये जो पार्ट है, यहां पर ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा ही है, और यहां पर देखो यहां पर जब आप चेक कर रहे हो तो ये देखो ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, यहां पर ये देखो ये थोड़ा ये ज्यादा, और यहां पर क्या ये ज्यादा है ये थोड़ा, ये डिफरेंस है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, जब क्लोज्ड ऑप्शन आपको दिखे ना तो वहां पर आप थोड़ा सा माइन्यूटली चेक कर लीजिएगा, देखो यहां पर जो इमेज बना है तो ये थोड़ा सा है, तो ये थोड़ा सा है, फिर ये ज्यादा है, फिर ये ज्यादा है, अब देखो यहां पर क्या, यहां पर पहले ज्यादा है फिर थोड़ा सा है, तो ये आपका नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, थोड़ा सा माइन्यूटली चेक करिएगा। चलिए अब देखो यहां पर क्या है, ठीक है, देखो ये आपका है, अब देखो इसमें करना है, तो देखो ये जो सर्किल है ये अब ये ऐसे जाएगी, ये सबसे पहला काम, अब देखो ये दूर जा रहा है, ये भी दूर जाएगा, ठीक है, उसके बाद अब देखो यहां से इस सर्किल के अंदर ये है, ठीक है, उसके बाद ये निकलेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ये निकलेगा, फिर ऐसे जाएगा, आप देख लो ये मिरर कहाँ बना है, ये इमेज देख लो कहाँ बनी है, ठीक है, ये इमेज देख लो कहाँ बनी है, तो ये इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी ही इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखा ये जो एरो है ये बना, ये ऐसे आया, ठीक है, यही हो जाएगा, और सब में तो कुछ और सब में नहीं होगा, देखो इसमें एरो ऊपर चला गया, ठीक है, इसमें ये आकृति, इस प्रश्न का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एक बार इसका बना लीजिएगा यही आएगा, ठीक है। चलो चलिए, तो आपके मिरर इमेज के पार्ट में इतना ही, आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपका मिरर इमेज और वाटर इमेज कवर हो गया तो इससे आपके कई टॉपिक कवर हो जाएंगे, मिरर इमेज अगर क्लियर है तो जब मैं पेपर कटिंग और फोल्डिंग पढ़ाऊंगा तो उसके भी क्वेश्चन इसी से ही मिलते जुलते हैं, तो अगर ये क्लियर है तो वो तो क्वेश्चन आप सेकंडों में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इस पर आधारित और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, इस सेशन में केवल इतना ही, आप लोग सभी लोग अपना ध्यान रखिए और साथ में अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।